राष्ट्रपति जोथों दे ने गोटाबाया राजपक्सा उन्होंने अस्तीफे का ऐलान कर दिता है। इस तो पहला उत्थों के जोड़े प्रधानमंत्री ने वो भी पेशकश कर चुके ने सर्व पार्टी सरकार बनाने की, तो नाल ही अस्तीफे। काफ़ी समय तो यह मामला चल रहा है कि उत्थे आर्थिक मंदहाली बहुत वड्डी पद्धर से पैदा हो, सानू भी यह सब सीख लेना चाहिए, देश नू भी साडे राज नू भी, कि ये जिहड़ियां आर्थिक मंदहालियां जदों आउंदियां ने लोग भुखे मरते हैं तो लोग किस हद तक जाते हैं। कहिंदे राष्ट्रपति साहब का जिहड़ा उहदे ते हमला करके कब्जा भी कर लिया, बहुत सारे आम लोग जिहड़े उहदे नेड़े दी नहीं सी लंघ सकते उन्होंने स्विमिंग पूल दे विच गोते लाउंदे देखे गए। जिहड़े राष्ट्रपति साहब ने 73 साल उन्हां दी उम्र है, वह कहिंदे किसे टापू दे विच जाके लुक गए ने ते नज़र दिस नहीं रहे किते। टलो साहब, श्रीलंका की गल की जाए तो श्रीलंका के हालात खराब हो चुके ने, बेकाबू हो चुके ने, आर्थिक मंदहाली का जड़ा उत्थे बोलबाला हो चुका। इस चलद्या राष्ट्रपति जोथों के ने गोटाबाया राजपक्सा उन्होंने अस्तीफे का ऐलान कर दिता है। तो इस तो पहला उत्थों के जोड़े प्रधानमंत्री ने वो भी पेशकश कर चुके ने सर्व पार्टी सरकार बनाने की, तो नाल ही अस्तीफे की। इतों तक कि राज जड़ा उन्हों का भवन राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन के उत्ते भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, तो इस तो इलावा प्रधानमंत्री के निजी रहायश के उत्ते अग लगा दी गई है। धर्मिंदर जी, ये अज तो नहीं चल रहा जी, काफ़ी समय तो ये मामला चल रहा है कि उत्थे आर्थिक मंदहाली बहुत वड्डी पद्धर ते पैदा हो गई है। ये पैदा करने वाले खुद सियासतदान ने जिन्होंने अपने हितों लई अपन वोटा लई अपन कुर्सी प्राप्ति वास्ते लोगों नू दाते लाउंदे आ, ते असी गुआंढी मुल्क हैं ते सानू भी ये सबक सीख लेना चाहिए, देश नू भी साडे राज नू भी, कि ये जिहड़ियां आर्थिक मंदहालियां जदों आउंदियां ने लोग भुखे मरते ने ते लोग किस हद तक जाते ने। कहिंदे राष्ट्रपति साहब का जिहड़ा उहदे ते हमला करके कब्जा भी कर लिया, बहुत सारे आम लोग जिहड़े उहदे नेड़े दी नहीं सी लंघ सकते उन्हां दे स्विमिंग पूल दे विच गोते लाउंदे देखे गए, भी चलो नहा के तां देखिए बाकी तां जिहड़ी भुख है वह पता नहीं कदों मिटूगी, मन की भुख तां मिटूगी थोड़ी बहुती, भी चलो असीं भी नहा आए उत्थे। जिहड़े राष्ट्रपति साहब ने 73 साल उन्हां दी उम्र है, वह कहिंदे किसे टापू दे विच जाके लुक गए ने ते नज़र दिस नहीं रहे किते भी। ते जिहड़े उन्हां दे प्रधानमंत्री साहब ने बिक्रम सिंघे रानल बिक्रम सिंघे इन्हां दे घर नूं अग लाती है जी, उन्होंने सुझाव भी दिता कि तुसीं आपां सर्व पार्टी मीटिंग दे विच एक सांझी सरकार बना लैंदे आ, ते जिहड़ियां समस्यावां ने समस्यावां दे उत्ते बैठ के विचार वटांदरा कीता जावे। आम तौर पर धर्मिंदर देखने में आया कि यह स्थितियां एक दिन च पैदा नहीं होंदियां जी, ये बहुत समा लगता है, ये हौली 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 जिवें कोई जख्म रसन लग जाए ना, वह हौली हौली रसदा जाता है। इस तरह की स्थिति इत्थे भी इस करके वापरी है जी, सो बहुत नाजुक दौर दे विच जा रहा है। उत्थों दीआं सारीआं सियासी पार्टियां नूं इस वेले देश नूं बचाउण वास्ते अगे आउणा चाहीदा है, जिहड़े प्रदर्शनकारी है उन्होंने नाल बह के गल करनी चाहिए, वो किसी ना किसी सियासी धिर दे सरप्रस्ती जरूर कबूलते होंगे जी। सो इस वेले श्रीलंका की जो नाजुक स्थिति बनी हुई है, जे राष्ट्रपति गायब करता, प्रधानमंत्री अस्तीफा दे के भज गया, उहदा घर साड़ता, फौज भी उत्थे आई भी है, पुलिस भी आई हुई है, झड़प्पां भी आपस विच दी होईआं ने, इह सारा कुछ जिहड़ा आर्थिक मंदी ते जरूरी वस्तां उत्थे प्राप्त नहीं हो रहीआं, आबादी साडी भी वड्डे पद्धर ते वध रही है, ते थोड़ा जिहा सानूं भी सोचना चाहीदा कि किस तरीके दे नाल साडे जिहड़े सियासी लोक ने उह श्रीलंका की इस जिहड़ी घटनावां वापरीआं ने इह तों सबक सिखण, ते साडे देश भी किते आर्थिक मंदी की स्थिरता बालना वध जावे, इहनूं काबू रखण वास्ते कदम उठाउण की जरूरत है। होएगी किसानां दी गल, नवीं खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल,
लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।